नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। कोरोना के केसेस डेली भारत में भी नए आ रहे हैं और पूरी दुनिया में भी आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 227 केसेस आए हैं, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। 32 लोगों की डेथ हो चुकी है और कुल संख्या पहुंच गई है संक्रमितों की 1252। इसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि देश के माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि लॉकडाउन के बावजूद केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत सरकार ने सोशल के हवाले से जो खबर आ रही है कि पूरे देश में 10 ऐसे हॉटस्पॉट छांटे गए हैं जहां पे कि एक के बाद एक केसेज मिल रहे हैं। आखिरकार वो कौन से 10 हॉटस्पॉट हैं और उसके पीछे क्या कारण है जो कि वहीं पे सबसे ज्यादा केसेज जा रहे हैं। तो सबसे पहले हॉटस्पॉट के बारे में जान लीजिए। वो जो है उसमें दिल्ली भी है। दिल्ली की दो, दिलसाद गार्डन और निजामुद्दीन, इन दो को छांटा गया है। नोएडा है, मेरठ है, भीलवाड़ा है, अहमदाबाद है, कासरगोड है और पाथन मिथ्रा है, मुंबई और पुणे है। ये जो 10 हॉटस्पॉट है इसको लेकर के डॉक्टर भी सरकार भी ये चिन्हित करने में लगे हुए हैं कि आखिरकार यहाँ पे इतने केसेज क्यों आ रहे हैं। अहमदाबाद एक ऐसा केस है जहाँ पे कि केसेज मिले हैं 5 और डेथ हुई है 3। तो होता क्या है कि ऐसे मामले में जो कुछ भी दुनिया में हुआ और उसके बाद जो मेडिकल नॉर्म्स है उसमें होता है कि जैसे 10 केस एक जगह मिले तो उसको एक क्लस्टर माना जाता है और कई क्लस्टर जब बन जाते हैं तब उसको हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो ऐसे ही क्लस्टर और हॉटस्पॉट इंडिया में चिन्हित किए गए हैं। तो दिल्ली में ही 2 निकल करके आए हैं। अब ये दिल्ली की कहानी को आप समझेंगे तो पता चलेगा कि जो दिलसाद गार्डन चिन्हित किया गया है उसमें से एक महिला सऊदी अरबिया से आई थी और उसको बुखार था, तो उससे मिलने के लिए उसके भाई और माँ जो कि वहाँ पे शाहीन बाग धरने में शामिल हो चुके थे उनको उसने पॉजिटिव किया। उसके बाद जिस मौजपुर के मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टर के पास वो दिखाने के लिए गई उस डॉक्टर को इन्फेक्टेड किया और उनकी पत्नी बच्चों को इन्फेक्टेड किया और इस तरीके से जिनसे जिनसे मिली 9 से 10 लोगों को उसने इन्फेक्टेड किया था। उससे क्या हुआ कि क्लस्टर बन गया वहाँ पे और कई क्लस्टर जब बने हॉटस्पॉट बना। निजामुद्दीन में क्या हुआ कि तबलीगी जमात ने जो कुछ भी वहाँ पे जलसा किया उसके बाद से वहाँ पे कई केसेज आए हैं और जो तेलंगाना में जाकर के 6 लोगों की मौत हुई है वो यहीं से निकल करके लोग गए थे। तो वहाँ तो कई क्लस्टर बन गए हैं जिसकी वजह से भारत सरकार परेशान है। और अब ये देखा जाता है अभी तक जो नॉर्म्स के मुताबिक सामान्य तौर पे 100 में एक डेथ होती है और उसी से फिर क्लस्टर और कई क्लस्टर जुड़े हुए हैं। लेकिन अहमदाबाद का केस जो है कि वहाँ पे 3 डेथ हुई है, केसेज बहुत कम है तो उसको एक्सेप्शनल केस में इसमें रखा गया है। अब सवाल ये है कि ये जो हॉटस्पॉट बने हैं इनमें जो है क्लस्टर छांट करके इलाज करना और कौन कौन से लोग टच में आए, क्योंकि भारत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकना। अभी तक सरकार की तरफ से और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी इस पूरे मुहिम को लीड कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं लव अग्रवाल, वो ये नहीं मान रहे हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी भारत में शुरू हुआ है। इन लोगों का मानना है कि जहाँ कहीं भी अभी केसेज आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं, कोई व्यक्ति आया बाहर से उससे जो लोग मिले उससे जो है ट्रांसमिशन हुआ है, अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। तो ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो 227 केसेज आए हैं और मौत के 5 केसेज आए हैं उससे चिंता होना स्वाभाविक सी बात है कि पूरे देश में लॉकडाउन है और केसेज कैसे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं, जो भी आगे इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।